रिंकीज होम गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विंटर का एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावर एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन को कंटेनर या पॉट में कैसे ग्रो और केयर करेंगे उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कलर्स और वैरायटीज। एंटीरिनम बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, पर्पल, पीच, व्हाइट, ऑरेंज, येलो और बाई कलर्स। और ये मेनली 3 वैरायटीज में मिलते हैं, जैसे कि टॉल, मीडियम साइज और ड्वार्फ वैरायटीज। टॉल वैरायटी के पौधे का हाइट 2.5 से 4 फीट तक होता है और मीडियम साइज का 15 से 30 इंच तक का होता है और ड्वार्फ वैरायटी के पौधे नॉर्मली 6 से 15 इंच तक होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉट या कंटेनर साइज। स्नैपड्रैगन को आप सीडलिंग स्टेज में एक 3 इंच के पॉट में बैठाइएगा, सिर्फ 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट मिलाकर। और ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब जब ये करीबन 5 इंचेस का हो जाए, तब आप इसे 6, 8 या 10 इंच का कंटेनर में फाइनल रिपोर्टिंग कीजिएगा। पॉट का साइज आपके वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ड्वार्फ वैरायटी का लो तो 6 इंच का पॉट लगेगा और अगर आप टॉल वैरायटी का लेते हो तो आपको 10 इंच का पॉट लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, सॉइल और सॉइल मिक्स। एंटीरिनम के लिए एक लाइट वेट और वेल ड्रेन सॉइल लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो इसलिए आप 30% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, 20% सिल्वर सैंड और 20% कोकोपीट या वुड डस्ट लीजिएगा। और इनके साथ आप 1 टीस्पून बोन मिल्क, 1 टीस्पून मस्टर्ड केक पाउडर और 1 टीस्पून नीम केक पाउडर ऐड कीजिएगा और इन सबको एक संग मिलाकर आप स्नैपड्रैगन को बैठाना। पॉइंट नंबर 4, वाटरिंग। एंटीरिनम मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं, पर ज्यादा पानी से इनके रूट रॉट या डैमेज होकर ये पौधे मर भी सकते हैं, तो आप वाटरिंग देख के कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, सनलाइट। इन पौधे को आप फुल सनलाइट में ही रखिएगा या फिर मिनिमम 6 घंटे धूप में रखिएगा, इससे फ्लावरिंग अच्छे होंगे। पर ये पौधे सेमी शेड या पार्शियल शेड में भी अच्छी तरह से ग्रो कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रूनिंग या कटिंग। टॉल या मीडियम वैरायटी के पौधे जब करीबन 6 इंचेस हाइट का हो जाए, तब इसे एक बार प्रून या कट कर दीजिएगा एकदम स्टेम के टॉप से, ताकि इन पौधे से साइज स्टेम निकले और ये ज्यादा बुशी और घना बने, इससे ज्यादा फ्लावर्स आएंगे। पर ड्वार्फ वैरायटी के पौधे नॉर्मली बुशी होते हैं, तो इसे आपको प्रून नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, फर्टिलाइजर। पौधे लगाने के ठीक 10 दिन बाद से ही इनमें लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर DAP के साथ एक संग मिलाकर पौधे पर दीजिएगा हर 7 दिन के इंटरवल पर। लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर DAP के साथ मिलाकर कैसे तैयार करते हैं, ये आपको मेरे वीडियो नंबर 37 में मिल जाएगा, प्लीज आप देख लेना। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और जब इन पौधे में फ्लावर्स बर्ड्स दिखाई दे, तब आप चाहे तो इनको NPK 5:10:10 या 10:20:20 रेशियो का दे सकते हैं, या फिर 1/2 टीस्पून यूरिया, 1 टीस्पून सुपर फॉस्फेट और 1 टीस्पून पोटास को एक संग मिलाकर उनमें से 1 टीस्पून प्लांट पर दीजिएगा, ये भी आपको 7 दिन के गैप पर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पौधे को लगाने के 15 दिन से ही इन पर PGR जैसे कि मिराकुलन हर 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिलाकर पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिएगा हर 20 दिन के इंटरवल पर। टोटल इनमें 3 बार स्प्रे कीजिएगा, पहले 20 दिन में, दूसरा 40 दिन में और तीसरा 60 दिन में, इससे पौधे का ग्रोथ अच्छे होंगे। पॉइंट नंबर 9, पेस्टिसाइड। पौधे लगाने के ठीक 7 दिन से ही इनको डायमेथोर 30% वाला कोई भी पेस्टिसाइड जैसे कि रोगर, टबगर या रोगर प्लस हर 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिलाकर पौधे पर स्प्रे कीजिएगा हर 10 दिन के इंटरवल पर। इससे पौधे पर कोई इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं होंगे। और अगर आप चाहे तो आपकी चॉइस का दूसरा कोई भी पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, फंगिसाइड। इन पौधे को लगाने के 10 दिन बाद से ही इनको कोई भी फंगिसाइड जैसे कि सांप, ब्लाइटॉक्स या बेबीस्टिन हर 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मिलाकर पौधे पर अच्छी तरह स्प्रे कीजिएगा हर 15 दिन के इंटरवल पर। ये करने से पौधे पर कोई भी फंगल डिजीजेस नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 11, डेड हेडिंग या पिंचिंग ऑफ। जब इनके फ्लावर्स खिलकर सूखना या झड़ना शुरू करे या सीड बनना स्टार्ट हो जाए,
तभी आपको उन फ्लावर्स को या सीड स्पॉट्स को कट कर देना पड़ेगा ताकि पौधे में नए ब्रांचेस निकले और ज्यादा फ्लावर्स आए। पॉइंट नंबर 12, प्रोपागेशन। एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन को आप सबसे अच्छे सीड से ही प्रोपागेट कीजिएगा, पर ये पौधे स्टेम कटिंग से भी प्रोपागेट होते हैं। पॉइंट नंबर 13, एक्सीलेंट कट फ्लावर्स। टॉल वैरायटी के एंटीरिनम फ्लावर्स को आप कट करके अपने बुके या फ्लावर बास में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब टिप्स फॉलो करने से ही आप अपने घर में एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक बहुत ही अच्छे से रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।